स्टार्ट कर दिया मैंने भाई, शुरू कर दिया सर। इसकी टाई तो टाइट है सर। एक्चुअली हम इस तरीके से खड़े उठाना चाहते हैं यहाँ। मिस फिर आप उस तरफ आ जाए। चलो ठीक है, आप इधर बस यहाँ पर इधर बस सही और थोड़ा सा आप बस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। माय सेल्फ मोहम्मद अली एंड टुडे द स्टार्टर व्हिच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इज सबसे सस्ता अलॉन्ग विद माय टीम लीडर मिस उमा नैना। तो इस स्टार्टअप का जो मेन मकसद है, जिस प्रॉब्लम्स जो इसकी हैं, इसके बिहाफ क्या, मतलब हमें इस लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके पहली प्रॉब्लम आती है वेरिंग ऑफ प्राइसेस। यानी कि जब एक यूज़र मल्टीपल शॉप के पास जाता है प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट लेने के लिए, और उसको बहुत सारी शॉप्स के ऊपर बहुत सारी कीमतें चेंज मिलती हैं, तो उसकी वजह से उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, उसको फेस करता है वो। फिर उसके बाद जो इतनी शॉप सारी होती हैं, उसके बाद उनके पास डील्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, हर शॉप की अलग अलग डील होती है स्पेसिफिक। तो जो यूज़र होता है ना, वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसको वो चूज़ नहीं कर पाता कि कौन सी डील और कौन सी कीमत है। फिर उसके बाद जो अब हमारे पास सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके तहत हम ये बता सकें कि भाई एक टैब के ऊपर यूज़र सारी डील्स लोएस्ट टू हाई प्राइस कि वो सब एक साथ उसको मिल जाए, बेस्ट डील्स, उसके बाद ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम वो प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जिसके ऊपर यूज़र एक टैब के ऊपर से लोएस्ट टू हाई प्राइस वो आसानी से गेन कर सकें। अभी भी अगर मैं किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाता हूँ तो उसमें फिल्टर होता है कि मैं लोएस्ट प्राइस को टॉप पे लेकर आ सकता हूँ। यस, ये ज़रूर होता है, लेकिन वो जो फिल्टर होता है ना, वो सिर्फ उस वेबसाइट के तहत जो एक डीलर होता है या एक जो वेरीफाइड सेलर होता है उसका होता है। लेकिन किसी भी एक ऑनलाइन शॉपिंग सॉल्यूशन से डिफरेंट कैसे है? हम डिफरेंट ऐसे हैं कि हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स होंगे, मल्टीपल ब्रांड्स होंगे, तराज पर हैं। तो सर एक जैसे अब मैं इस शर्ट की बात करता हूँ ना, तो ये कि शर्ट एक ब्रांड की होगी, आप कोई आप सेलर होंगे ना, इसी ब्रांड की शर्ट आप सेल कर रहे होंगे। अब मैं मेरी जो वेबसाइट के अंदर होगा ना, ये शर्ट मेरी एक ब्रांड्स की होगी, दूसरे ब्रांड जे डॉट की भी आ सकती है, फिर आउटफिटर्स की भी आ सकती है। तो है वो ये सोल्यूशन कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल वेंडर्स तो हैं, ये चीज़ सोल्यूशन मार्केट में है। आपकी आपका जो सोल्यूशन है वो किसी भी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन सोल्यूशन से बेहतर या यूनिक कैसे है? सर यूनिक इन द सेंस इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट सर्च कर रही हूँ, सही है, मैं चाहती हूँ कि एक ही वेबसाइट के अंदर मुझे ये पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट मुझे डिफरेंट स्टोर्स में मुझे पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता मुझे किस स्टोर में अवेलेबल है। ये हमारा यूनिक पॉइंट है। आप सेल कर रहे हैं या सिर्फ आप मुझे आइडेंटिफाई? नहीं सर, हम सेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ आइडेंटिफाई उसको करके बता रहे हैं कि उसको ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता इस स्टोर में अवेलेबल है, और हम उसकी क्वालिटी पर अश्योर कर रहे हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ये अश्योर करें। कैसे अश्योर करें सर? वो तो फिर हम कस्टमर रिव्यूज करवा लेंगे, इस तरीके से आप कर लेंगे। नेस्ले का पानी है ना, ठीक है, तो इसकी क्वालिटी आप इसलिए इंश्योर कर सकते हैं, एक ब्रांड है जी। लेकिन नॉन ब्रांडिंग चीजें जो कि अब आपने जैसा शर्ट की भी एग्जांपल दी, तो आपको ये भी पता है कि अब सेकंड कॉपीज भी आती हैं चीजों की और उसी नाम से आती हैं। खासतौर पर आजकल बड़ा ही कॉमन हो गया कि कोई ब्रांड है, लेट्स से तो आम जो बायर है उसे शक हो जाता है या उसे डाउट हो जाता है, अच्छा ये जरूर नए है। आपने अक्सर आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में देखा है ओरिजिनल पिक्चर्स लगा देते हैं, लेकिन जब मेरे पास चीज पहुंचती है ठीक है, तो सस्ता अक्सर लोगों को लगते हो तुमने फ्लान ब्रांड की है, मैंने तो ये चीज इतने की ले ली, तो एक कंपैरिजन है। ये चीज यहाँ तक तो बेहतरीन है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो मुझे पूरी हर वो चीज जो भी मैं परचेज करा दू, कुछ भी चीज, वो एक सुई से लेकर एक कोई भी चीज, क्योंकि आप अगर एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं जहां पर कोई भी कस्टमर आकर अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लेता है, ठीक है, तो अगर वो प्राइस फर्क एग्जाम्पल रहते हैं वो
एग्जाम्पल एक सुई है, वो 10 रुपए की है, वो 9 रुपए की जाके कर देता है, तो इसका मतलब वो टॉप पर हुआ है। ठीक है, ऐसे ही है ना कि मतलब यानी कि हम फ्रंट हम पूरा फिल्टर करके बता रहे हैं कि भाई ये चीज उसको सबसे सस्ती इस स्टोर में अवेलेबल होगी, उसका हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो जा सकता है वहां पे जाके। उससे क्या होगा कि उसका टाइम भी बचेगा, उसे जाना नहीं पड़ेगा हर शॉप पर जाके, वो ये नहीं चेक करेगा कि उसे जहां पे के प्राइस प्राइस वेरी कर दिया। आप मुझे बताएं कि इसमें इनपुट कौन करेगा, इन प्रोडक्ट्स डालेगा कौन, आप लोग डालेंगे या कस्टमर खुद शॉप वाला खुद डालेगा? हमने कहा कि हम प्रोडक्ट को एक कैटेगराइज करते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंगली मैंने अपने माइंड में ये बनाया कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी को हम इसके अंदर इस वेबसाइट के अंदर हम आप इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी को बिल्कुल डाल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के पीछे हमेशा एक ब्रांड होता है। अगर मैं TCL की LED TCL की शॉप से उनके ऑनलाइन से करूँ तो मुझे जरूरत क्या है, मुझे पता सबसे सस्ती TCL से मिलेगी, डाउनलेंस की साइट से सबसे सस्ता मिलेगा। अगर उससे सस्ता कंपनी की वेबसाइट से सस्ता मुझे कहीं भी मिल रहा है, ठीक है, उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो पुराना मॉडल हो सकता है, ठीक है, या वो खराब पुराना हो सकता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कतन आप किसी भी ब्रांडेड चीजों पर ना जाए, आप किसी भी तरह लोकल पे ज्यादा बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक लोकल चीज की बात करूँ, मैं अगर मोबाइल की एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने कहा कि मैं इन्फिनिक्स का मोबाइल ले रही हूँ, अगर मैं शॉप पे जा रही हूँ तो प्राइस वेरी करती है हर शॉप पे, इन्फिनिक्स की सेम प्राइस नहीं आपको बताएगा, आपको बोलेगा इस शॉप में ये प्राइस है, इस शॉप में ये प्राइस है। आपको रीजन बताएं कि ये वेरी क्यों कर रही होती है? प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट होता है ना, प्रॉफिट बेसिकली हर बंदा अपना मार्जिन डिफरेंट कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं किसी भी ब्रांड, ये अच्छा ये सिर्फ मोबाइल के साथ ही कहीं भी जब आप रिसेलर करते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग में ये बहुत ज्यादा होता है कि मैं अगर एयर ब्लू की टिकट सेल करूंगा तो मुझे एक टारगेट अचीव करना है, फर्स्ट के एग्जांपल है, मुझे वो टारगेट अचीव करने पे 2 टिकट्स मिलती हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा जितने की मुझे कंपनी ने टिकट दी मैंने उतने की सेल कर दी, एक तो मेरे शेयरों के टारगेट अचीव हो गया, मुझे बेनिफिट क्या गया उस टारगेट अचीव करने पर, जो उन्होंने बोनस में मुझे एक टिकट फ्री दी है, वो मेरा मार्जिन है। सेम इन्फिनिक्स या वीवो या ओप्पो जो भी ब्रांड है, वो अगर कोई मोबाइल किसी को रिसेलरशिप के लिए देता है, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज होती है कि वो मार्जिन अपना खत्म कर देता है। तो अगर फर्ज करें उस पर 3,000 का मार्जिन है टोटल, तो कोई 3,000 के मार्जिन नहीं कम कर रहा होगा, कोई 2,500 पे ले आएगा, कोई 2,000 पे आएगा, कुछ सिर्फ 200-300 के मार्जिन पे, और हो सकता है कोई उसको आज टारगेट अचीव करना है तो पूरे के पूरे उसी अमाउंट में मेरे पास 30,000 वाला मोबाइल हो सकता है आपको 27,000। लेकिन एक ब्रांड तो है ना, अब इन्फिनिक्स की बात करें, इन्फिनिक्स तो एक ब्रांड है ना, ये प्राइस तो वेरी कर रही है ना, कांस्टेंट नहीं होती, ये चीजें वेरी कर रही होती है, ठीक है, ये चीजें वेरी करती है ब्रांड के अगेंस्ट, ये वेरी कर रही होती है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो कि मुझे पता ही नहीं कि कहां से मिल रही है और सबसे सस्ती कहां से मिलेंगी, ये मैं बिल्कुल इसको सोच रहा हूं कि मैं इस वेबसाइट या इस मोबाइल ऐप पर आता हूं और मुझे एक बैग खरीदना है, ठीक है, मैंने देखा कि ट्रैवल बैग, ठीक है, तो मेरे पास आ गई ट्रैवल बैग कैटेगरीज आ गई और मैंने डिजायर्ड बैग सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट की, दराज में जब मैं सर्च करता हूँ ट्रैवल बैग तो मुझे एक साथ आ जाती है और एक जैसी इमेज दो भी आ जाती है, यानी कि एक वेंडर वन है और एक वेंडर टू है। लेकिन यहाँ वाले केस में आपकी ऐप में ही होना चाहिए कि मुझे वो आ गया लेकिन सबसे सस्ता वाला है। बिल्कुल, आपने कहा था कि फिल्टर होके वो आ गया कि भाई सबसे सस्ता, अगर मैं मोर पे क्लिक करूं देन मुझे शो कराए कि वो डिफरेंट स्टोर्स में आपको इस प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा इसमें ये चेक भी होना चाहिए अगर, और मेरे हिसाब से आपको प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी चाहिए, यूज कस्टमर ऐड करे, जो जिसकी शॉप है वो ऐड करे, ताकि वो जो रखना चाहते हैं कंपटीशन है और लोगों को पता चल गया कि ओके वो ताकि अप्रोच कर सकता हूँ, उसमें वो अपनी ऑनलाइन डिटेल्स और वो सब कुछ देना चाहते हैं, देते हैं। हम ना कोई प्रोवाइड, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसपे लोग इसलिए आएंगे कि यहाँ इससे सस्ती चीज
चीज कहीं नहीं मिल सकती। जैसे आपने अगर देखा होगा अक्सर आपने कभी $1 शॉप वगैरह देखी होंगी जगह जगह खुलनी शुरू होगी, अब उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि मुझे हैरत होगी कि ये $1 की है, लेकिन कुछ चीजें मैं कहूंगा ये तो भाई ये तो 10 आ जाती है $1 में, ठीक है। तो उनका मार्जिन ही उन्हीं चीजों में आता है, ठीक है। तो हम कुछ इसका मतलब है कि हम कुछ सेल नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे, ठीक है। और सिर्फ हम एक ऐसा पॉइंट बनाने जा रहे हैं जहां पर मुझे ये पता, किसी भी आने वाले को ये पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट उसे सबसे सस्ती कहाँ पे मिल रही है। लेकिन आपने कहा कि ब्रांड नहीं होना चाहिए, हम ब्रांडिंग पे नहीं जा रहे। ब्रांड अगर डालना भी हो, देखें मैं इसमें इतराज नहीं हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ ब्रांड पे जाएंगे बिल्कुल, तो मैं खुद सोचे ना, आप एक बायर हैं, आप यहाँ से क्यों डिटेल्स पे, हाँ ये चीज है ब्रांडेड चीजों में अपनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ब्रांडेड चीज तो मैं ये जरूर हो सकता है, लेट से आउटलेट्स है इलेक्ट्रॉनिक चीजों की है, तो अगर सेम मॉडल पर सबसे सस्ता जिसने बेचना है किसी भी रीजन की वजह से, पर्सनल उसने अपने टारगेट अचीव करने हैं, वो डाल सकते हैं, आप ब्रांडेड चीजें डाल दें, सही ठीक है, ठीक है। लेकिन वो अगर एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डालेगा, पर क्या एक है हमाद इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है अली इलेक्ट्रॉनिक्स, तो तीनों ने हायर का डेट एंड का मॉडल मॉडल नंबर वन मस्ट है, वो अगर उसने लिखा हुआ है कि ये ₹1,00,000 का है, ठीक है, दूसरे लिखा है ₹99,000 का, तीसरे लिखा है ₹98,000 वहां पर सबसे पहले 10,000 होगा, बाकी आप मोर लिस्ट आ जाएगी, मोर वेंडर है मोर पे आपको शो हो जाएगा, बिल्कुल सर। इसका बिजनेस रेवेन्यू मॉडल क्या है, इनकम कैसे करोगे सर? बिजनेस रेवेन्यू मॉडल में सबसे पहले तो हम एड्स के थ्रू जो है वो हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और दूसरा सर दूसरा तरीका ये है कि हम कमीशन वर्क भी कर सकते हैं, यानी कैसे कमीशन वर्क कैसे कर सकते हैं, यानी कि किसी को अगर प्रोडक्ट सेल करनी है, वो बोले कि मुझे इतनी अमाउंट पे मैं सेल करूँगा, और हम बोलें कि यार हम आपके अपनी मार्केटिंग करके, यानी कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर अपने ग्रुप में लिंक होकर या ईमेल मार्केटिंग करकर हम अपने बेचारा पहले ही मार्केट से सबसे सस्ती चीज दे रहा है, तो फिर वो आपको पैसे कैसे देगा बेचारा? वो पैसे कमीशन, क्योंकि सर वर्थ हो जाएगी ना, एक वैल्यू हो जाएगी कंपनी की, जब वो कंपनी महीने के 200-300 ऑर्डर दे रही है, कंपनी की वैल्यू होगी, फिर वो ब्रांड से या जो भी सेलर है उसे चार्ज कर सकती है। कि देखें एड्स द्वारा समझ आ गया हो कि किसी ने भी अपने एड्स देने हैं, ये चीज भी कि भी कुछ सर्विसेज हैं, और जब अगर एक ऐसी वेबसाइट या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते जिसमें अपने ऑडियंस ले आए कमीशन वाले केस में, क्योंकि वो पहले ही अपना मार्जिन डेट करके, ऑलमोस्ट मार्जिन डेट करके आप ये प्रोडक्ट उस पे लेकर आए, तो आपको कमीशन क्यों देगा? हाँ ये जरूर हो सकता है, वंस आपका प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर हो जाता है तो आपके भी आप अपन, क्योंकि हमने कहा है कि प्रोडक्ट जो इनपुट करेगा वो वही है जो बिजनेस ओनर है, तो बिजनेस ओनर की सब्सक्रिप्शन एनुअल सब्सक्रिप्शन हो सकती है, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं होनी चाहिए, पहले आपको अपने ब्रांड को उस लेवल पे जाना चाहिए कि भाई रोज का इतने विजिटर्स हैं, इतने विजिटर्स हैं, वो सब पॉसिबल ही तब है ना जब हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक हो, और ट्रैफिक होगी कि इतने यूजर्स हैं, इतने लोगों ने ये प्रोडक्ट सर्च की। फिर अच्छा दूसरा एक और चीज भी है कि आप डेटा एनालिसिस दे सकते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट को कितने लोगों ने व्यू किया, और फिर व्यू करके आपको अप्रोच किया। हम इसमें एक चीज हो सकती है, हम वेंडर को ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस भी दे और डिस्काउंटेड प्राइस भी दे। तो कैसे? क्वांटिटी के ऊपर नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट, मैं किस बिजनेस मॉडल के पॉइंट पर, आप अगर फर्जते हैं उसकी ₹100 ओरिजिनल प्राइस थी, उसने सबसे सस्ता की वजह से ₹90 उसको कर दिया, राइट, ₹100 कर दिया, राइट, ठीक है। अब एक कूपन जनरेट होगा, वो जो ₹10 है वो जाकर सबसे सस्ता का वो कूपन दिखाएगा, अच्छा। और तब वो खरीदेगा, तो जितने तो आपको ये पता चलेगा कितने लोग उसको भी यकीन हो जाएगा कि रोजाना सबसे सस्ता की तरफ से 10-12 कस्टमर आ जाते हैं, तो जब वो इस उसको आपको फीडबैक मिलेगा, वंस आपके पास रीजनेबल फीडबैक है तो आप चार्ज करना शुरू करते हैं उसको कि एनुअल, फर्ज करें एग्जांपल ले लें, इस पे हर जो जितने आइटम्स हैं इस वक्त कराची में या पूरे पाकिस्तान में जितने भी आइटम सेल हो रहे हैं,
ठीक है, हम अगर फर्क है नॉन ग्रॉसरी चीजों को ले लें, ठीक है, उसके अलावा सारी चीजें करने तो कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी, समझ रहे कि इसमें नाना करते हुए 1 लाख प्रोडक्ट्स होंगी, 2 लाख प्रोडक्ट्स होंगी। अब हम ये कहते हैं कि किसी भी कस्टमर को भी आप अपनी 3 प्रोडक्ट फ्री में रख सकते हैं, 3 से ज्यादा प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो आप चार्ज करेंगे, जो होलसेलर टाइप दुकानों की वो रखे, बिल्कुल जी, तो इस किस्म के मॉडल्स होते हैं। तो आप थोड़ा सा बिजनेस मॉडल पे काम करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिजनेस कहाँ से जनरेट हो सकता है, ठीक है सर, सही। और हाँ, ये जो अभी आपने एक पॉइंट किया था कि हम उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मार्केट करेंगे, तो ये चीज हो सकती है कि भाई अगर हम कहते हैं कि किसी को एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, मतलब अपनी प्रोडक्ट किसी वेबसाइट पर हमने करनी है, तो उसके सर्विसेज के भी आपकी प्रोडक्ट को हम डिजिटली मार्केट करेंगे, उसका भी ये पैकेज है मंथली। तो आप वो फिर आपको थोड़ा सा रेवेन्यू मॉडल इस तरह से बनाना पड़ेगा कि अगर कोई ये वैसे इस लेवल तक फ्री है, इस लेवल तक के 100 रुपीज पर मंथ है, इस लेवल के 500 रुपीज पर मंथ है, इसके 1000 रुपीज पर मंथ है, इस चीज के लिए 5000 रुपीज पर मंथ है, तो फिर इस किस्म का आपको एक रेवेन्यू मॉडल बनाना पड़ेगा कस्टमर्स को। वो चीज है, तो वैसे प्लेटफॉर्म ठीक है, प्रोडक्ट आप डालते हैं, लेकिन अगर 10 प्रोडक्ट के बाद आप उसको चार्ज करना चाहते हैं पर प्रोडक्ट 10 रुपए, ठीक है, तो इसकी तरफ से कुछ रेवेन्यू मॉडल हो सकता है। और बहुत कम प्राइस आप रख लेंगे तो देखें तो अच्छा खासा, तब भी अच्छा खासा मार्जिन जनरेट हो सकता है, ठीक है जी सर। दो घंटे